Hi guys and welcome to Sony's World. फ्रेम ने पास बहुत सारे मेल आ रहे थे कि डैंड्रफ कैसे रिमूव करें, बालों को झड़ने से कैसे रोके, हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल और हाउ टू गेट लॉन्ग थिक एंड शाइनी हेयर. और हम बालों को डैंड्रफ यानी कि रूसी बोलते हैं जिसको, हम उसे कैसे रिमूव करें घर पे ही नेचुरल तरीके से. तो बालों का झड़ना और डैंड्रफ ये दोनों रिलेटेड हैं, क्योंकि जब हमारे बालों में डैंड्रफ होती है तो हमारे बालों की जड़ें जो है वो कमज़ोर होने लगती है, इसलिए हमारे बाल झड़ते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है उनसे कि आपके बालों में डैंड्रफ है. तो 99% लोग बोलते हैं हाँ है, तो मैं कहती हूँ कि पहले अपने डैंड्रफ का इलाज करो, अगर फिर भी आपके बाल झड़ते हैं तो फिर आप कोई और अच्छे से, फिर अपने अच्छा डाइट लो, अपने अपने बालों को अच्छे से केयर करो. अपने बालों की बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे कि फिश ऑयल आता है, बायोटिन आता है, और नेचुरल अच्छी चीज़ें खाओ, अंकुरित चीज़ें खाओ, स्प्राउट्स खाओ और दाल खाओ जिसमें ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लो. तो आज हम देखेंगे कि हम घर पे डैंड्रफ कैसे रिमूव कर सकते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ और हाउ टू रिमूव डैंड्रफ नेचुरली एट होम और हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल. तो आज हम देखेंगे कि हम घर पे डैंड्रफ और हेयर फॉल को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं. तो मेरे बहुत सारे क्या कहते हैं डैंड्रफ हो गई थी, तो मेरे बालों में मेरे बाल बहुत झड़ते थे और मेरे बालों में डैंड्रफ भी थी, और वो डैंड्रफ जब मेरे फेस पे गिरती थी तो मेरे फेस पे पिंपल हो जाता था. तो मैं कहती थी यार मैं अपनी स्किन की इतनी केयर करती हूँ फिर भी मेरे पिंपल कैसे हो गया. तो मेरे को बाद में पता चला कि मेरे बालों में डैंड्रफ है. और दो तरह की डैंड्रफ होती है, एक होती है ऑयली, एक होती है ड्राई. ऑयली होती है कि जो हमारी स्कैल्प पे चिपकी ही होती है, और एक होती है ड्राई, मतलब जब हम ऐसे अपने बालों को झाड़ते हैं या हम कंघी करते हैं तो हमारे फेस पे गिरती है, हमारे शोल्डर पे गिरती है, और ये ज़्यादा तब दिखती है जब हमने डार्क कपड़े पहने हैं, यानी कि ब्लैक कपड़े पहने हैं या डार्क कपड़े पहने हैं, तो शोल्डर पे गिरती है ये, तो ये अच्छा नहीं लगता है. तो आज हम देखते हैं कि हम घर पे डैंड्रफ को कैसे रिमूव कर सकते हैं और हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एक हम साफ कंटेनर या कोई कटोरी ले लेंगे, बाउल ले लेंगे. हमको लेना होगा शिकाकाई पाउडर, ये मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ले रही हूँ. अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं. हमको चाहिए होगा लेमन जूस. फ्रेंड हमको चाहिए होगी दही, ये खट्टी दही है, आपको खट्टी ही दही चाहिए, जो हम ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वो खट्टी हो जाती है, तो हमें खट्टी दही ही चाहिए. ये देखिए फ्रेंड मैंने लगभग 3 टेबलस्पून लिया है इसमें शिकाकाई पाउडर. आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. और फ्रेंड मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून योगर्ट दही. फ्रेंड हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस, ये मैंने 1 लेमन डाला है इसमें. ये फ्रेंड हमारा जो है तैयार है मिक्सचर. फ्रेंड ये हमारा मास्क तैयार है, तो आप इसको सबसे पहले जड़ों पे ही लगाएं अपने, क्योंकि हमारे स्कैल्प पे ही डैंड्रफ होती है. मैं अच्छे से अपने जड़ों पे लगा रही हूँ, तो बालों का दूसरा सेक्शन लेंगे, फिर हम अच्छे से अपने बालों की जड़ों पे लगाएंगे इसे. देखिए फ्रेंड मैंने अच्छे से अपने स्कैल्प पे लगा लिया है और मैंने जूड़ा कर लिया है. आप जूड़ा कर ले इसको, आपको मिनिमम 3 आवर्स तक रखना है. और आप नॉर्मल जो पानी से, इसे ठंडे पानी से धोना है, नॉर्मल वाटर से, गर्म पानी से नहीं धोना है. और इसमें शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिकाकाई नेचुरली हमारे बालों को जो है जितनी भी डर्ट वगैरह होती है क्लीन करता है, और हमारे जो स्कैल्प होती है उसको ड्राई भी नहीं करता है. तो नेचुरल क्लींजर है हमारे बालों के लिए. और इसको आप रेगुलर 3 दिन तक करें, आप देखेंगे कि आपकी डैंड्रफ हल्की हो गई है, बिल्कुल रिमूव हो गई है. अगर आपके बालों में फिर भी हल्की हल्की डैंड्रफ है तो यू कैन कंटिन्यू, आप अगले दिन भी कर सकते हैं. आप बना के रख लें इसको पैक को, और आप 3 दिन तक बना के रख लें और 3 दिन आप रेगुलर लगाएं. और इसको लगाने से पहले आप अच्छे से अपना बालों को वॉश कर लें. आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके बाल क्लीन होने चाहिए. तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. तो मिलते हैं किसी नई होम रेमेडी के साथ. टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल. बाय बाय.